गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। और ये क्लास एट के लिए हम लोग वीडियो लेके आए हुए हैं। अभी लॉकडाउन है, आप सभी को पता है, तो पढ़ाई को जारी रखिए। अभी आप कोचिंग नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुलने के बाद हम सभी कोचिंग पढ़ाएंगे और पठन पाठन की क्रिया शुरू होगी। जब तक नहीं आ पा रहे हैं तब तक हमारे साथ आप जुड़े रहिए ऑनलाइन के साथ। और जो दोस्त आपके अगल बगल हों जिन्हें पता ना हो कि एट क्लास का भी क्लास शुरू हो गया है, इसके पहले हमने नाइन और टेन का क्लास पहले से ले रहे हैं हमने, लेकिन एट का कुछ दिन में ही शुरू हुआ है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता है, आप जानते हो कोचिंग आते हैं साथ में, उन्हें आप बताने का प्रयास करें। या फिर आपके कोचिंग में हमारे आपके कोचिंग में नहीं पढ़ते भी हैं, तब भी आप उन्हें बताएं कि हमारे सर इस तरह क्लास ऑनलाइन ले रहे हैं, आप जरूर से ज़रूर देखें। हम एक्सरसाइज 1.1 पढ़ रहे थे और 1.1 में हमने 9 क्वेश्चन तक देखा था। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे विचार करने से पहले हमें कुछ ट्रिक को जानना बहुत आवश्यक है। आप इन ट्रिकों को जानते हैं, प्लस और माइनस अगर देखें तो प्लस अगर माइनस को अगर हम जोड़ करते हैं, अगर प्लस और माइनस की बात करें तो ये माइनस हो जाता है, माइनस और प्लस की बात करें तो माइनस हो जाता है, माइनस और माइनस की बात करें तो ये प्लस हो जाता है, और प्लस की बात करें तो भी ये प्लस हो जाता है, ठीक है। ये हमारे कुछ चार ट्रिक हैं, आपको पहले भी पता होगा, इसके बारे में हमने पिछले क्लासों में और पिछले बहुत बार जिक्र कर चुका है, ये आपको याद है। देखिए, इसे याद रखने का कोई तरीका अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो कोई मतलब नहीं है कि इसे रटें कि माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 प्लस, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर दोनों अलग अलग हो तो उसका आंसर माइनस होगा, यानी प्लस और माइनस ये अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, दो ही चीज़ पर बात होगा, या तो प्लस पर बात होगा या तो माइनस पर बात होगा। अगर दोनों अलग अलग हो तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आएगा, जैसे माइनस और प्लस यही दो कंडीशन है तो माइनस, और अगर दोनों सेम हो जैसे माइनस और माइनस तो ये प्लस, और प्लस तो प्लस, अगर दोनों सेम हो तो ये प्लस में होगा। आपको इतना ही याद रखना है, आपको रटना नहीं है, ये रटना नहीं है कि रटते रहें कि माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और रटते रटते भूल गए तो कोई फ़ायदा नहीं रटने से। तो हम क्या बताएं कि आपको दो चीज़ ध्यान रखना है कि दोनों अगर अलग अलग हो तो उसका आंसर माइनस में होगा, देखिए चाहे वो ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, और दोनों सेम अगर हो तो वो हमेशा प्लस में आंसर हमें देगा। चलिए अब क्वेश्चन पे विचार करते हैं। क्वेश्चन क्या है, दसवां का पहला क्वेश्चन कह रहा है 5/9 प्लस, आप बुक खोल के बैठे, बुक सामने रहेगी तो आपको भी लगेगा कि हम बुक से ही बताया जा रहा है हमारा, 5/9 प्लस माइनस 8/9। देखिए इसे हल करेंगे, 5/9 प्लस माइनस 8/9, अगर हम भिन्न का जोड़ करते हैं और इस तरह के जोड़ हमें दिखाई देगा, भिन्न का जोड़ ही यहाँ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ भिन्न का जोड़ करते हैं और नीचे का एलसीएम लेते हैं, 9 का 9 एलसीएम, ठीक, ले लीजिए 9 का 9 एलसीएम। अब 9 को 9 से भागा देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ आएगा हमारे पास 5, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 आएगा, प्लस 9 को 9 से भागा देंगे तो 1 आएगा, हमारे पास 8 माइनस 8 है, माइनस 8 को गुना करेंगे 1 से तो माइनस 8 आएगा, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 8, इसे ब्रैकेट में दे देंगे हम, ठीक। यहाँ हमारा जरूरत पड़ेगा चिन्ह का, हमने बताया था अलग अलग हो, ठीक है, तो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, अलग अलग यानी यहाँ माइनस होगा, माइनस 8, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 8/9। अब यहाँ भी ज़रूरत है हमारे पास, देखिए अगर किसी के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 8 लिखा हुआ है यानी इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ठीक है, 9 लिखा हुआ यानी इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ऑलरेडी ये प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 5 के आगे प्लस है और इसके आगे क्या है, माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस यानी हम घटाएंगे, तो 5 में 8 घटाएंगे या 8 में 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा और 9। अब कहेंगे आप ये आंसर सही है, नहीं सही है। एक यहाँ ट्रिक आपको याद रखना होगा,
पहला ट्रिक देखिए, यहाँ सामने आपको दिख रहा है कि छोटा संख्या में बड़ा संख्या घटाते हैं तो हम माइनस लिखते हैं, ये आपको पता ही है। मान लीजिए कि 10 रुपया किसी के पास था और उसे 12 रुपया खर्च करना था, तो उसके वो 2 रुपया खर्च लेना होगा किसी से, तो 2 रुपया बाकी रहेगा उसको इस तरह लिखेंगे। इसी तरह यहाँ देखिए, 5 में अगर 8 घटाएंगे तो 5 रुपया इसके पास था, 8 रुपया घटाना था तो 3 रुपया यहाँ माइनस। एक ये ट्रिक हुआ, लेकिन दूसरा क्या है सो देखिए, आप ध्यान रखिए, ये आगे ये जो बताएं तो नॉर्मल ट्रिक है, लेकिन जो अभी बता रहे हैं वो आपको भविष्य में काम आने वाला है। आपको क्या ध्यान रखना है कि हमेशा इस तरह के जोड़ या घटाओं में जो बड़ी संख्याओं वाला चिन्ह होता है वही नीचे उतरता है। तो 5 और 8, अगर 5 और 8 में घटाएं तो 8 में 5 घटा दिया तो 3 बचा, ठीक है। अब यहाँ देखें कि 5 और 8 में बड़ा कौन है, तो बड़ा 8 है, तो 8 के पास चिन्ह जो है वो नेगेटिव है, इसलिए हमने -3 दे दिया। तो ये हो गया इसका आंसर -3/9। इसे काट भी सकते हैं अगर ऐसा ना दिया हो आंसर, तो 3 × 3 = 9 यानी -1/3 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, इस प्रकार हमें आशा है कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आ गया होगा। 10 में कुल एफ तक क्वेश्चन है, आप कोशिश करें कि इसे खुद बनाएं आप। एक हम एफ बता देते हैं, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन एफ नंबर में जो दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि -6/13 - -7/15 इसे हल करना है। तो 13 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। अगर एलसीएम निकालेंगे 13 और 15 का, तो 13 और 15 एक किसी पहाड़ा से नहीं कटता है, तो यानी इसे गुना करना होगा। लिख देंगे 13 × 15। अब क्या करते हैं, 13 को 13 से भागा देंगे, कट जाएगा 15, तो -6 × 15, ठीक है। माइनस यहाँ 15 15 कट जाएगा 13, तो -7 × 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 15 को अगर 6 से गुना करेंगे तो 15 × 6 = 90 यानी -90, और अगर हम लोग 13 को 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 91 - 91 बटा, अगर हम लोग 13 को 15 से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 195, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ट्रिक का, माइनस और माइनस दोनों सेम है, तो यहाँ प्लस होगा 91 / 195। माइनस प्लस माइनस अलग अलग है, तो माइनस होगा, 90 में 91 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/195। और एक हम क्या बताए थे कि बड़ा के साथ जो चिन्ह होगा, तो बड़ा के साथ प्लस है यानी 1/-1/95 तो इस प्रकार इसका आंसर क्या हो गया, 1/195, माइनस तो नहीं लगेगा। चलिए एक बार आंसर भी देख लेते हैं, कंफर्म हो जाए कि सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही है एफ नंबर, 1/195। इसमें प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, वैसे प्लस नहीं लिखा जाता है, ये ऑलरेडी अपने होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 10 को खुद से बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अभी हमने जोड़ और घटाव सीखा, एक जोड़ का क्वेश्चन बनाया हमने, एक घटाव का क्वेश्चन बनाया। अब क्वेश्चन नंबर 11 में गुना है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गुना है, 5/7 × -3/8। देखिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें गुना और आसान है, जोड़ और घटाव से आसान गुना और भागा होता है, तो सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखेंगे आसानी से बन जाएगा। चलिए देखते हैं, अगर 5/7 × -3/8 लिखते हैं तो क्या करेंगे हम लोग, ऊपर ऊपर ला गुना कर देंगे, 5 × -3 और 7 × 8, ठीक है। 5 × 15 यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, माइनस होगा, और 5 × 15 7 × 8 = 56, 7 × 8 = 56 हो गया आंसर।
आगे आंसर। तो हमने क्या देखा कि गुना जो है जोड़ और घटाव से काफ़ी आसान होती है। तो आपसे आशा है कि आप क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 आप आसानी से हमें बना के दिखाएंगे। आप हमें बना के दिखाने के लिए व्हाट्सएप का सहारा ले सकते हैं, हमें व्हाट्सएप में जो है बना के आप हमें भेजें। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, ठीक है, जिससे जल्दी ही आपको समझ में आ जाए। एक और क्वेश्चन कौन ले लें, एक भागा वाला ले लेते हैं, एफ नंबर ले लेते हैं भागा वाला, ये नंबर था। एक गुना एक भागा, भागा क्या है, माइनस चार बटा पाँच भागा माइनस एक बटा छः। आप जानते हैं भिन्न का भागा करने जानते होंगे, भिन्न का भागा करने में क्या करते हैं, इस साइड वाले को उल्टा कर देते हैं और यहाँ गुना का चिन्ह हो जाता है बीच वाले में। तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस चार बटा पाँच गुना छः बटा माइनस एक। देखिए अब हम क्या करेंगे, माइनस चार गुना छः और माइनस पाँच, सॉरी पाँच गुना माइनस एक, छः चक चौबीस प्लस माइनस माइनस और पाँच चक पाँच माइनस पाँच यानी 24/5 आंसर। यहाँ देखिए माइनस माइनस ऑलरेडी कट गया, ठीक है। तो आप हमें आसानी से बना के दिखा सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का और क्वेश्चन नंबर 11 को पूरी अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे जो क्वेश्चन बच रहा है उस पर विचार करेंगे। आप बना के भेजें, हमें आशा हो कि आप बना रहे हैं तो हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा और हम आपको डेली वीडियो एक प्रोड्यूस करते रहेंगे। थैंक यू।